dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making and this is module number 1 to 9 and we are going to talk about that how can we write down our emotions and feelings when we say writing it down that means that we have to choose the right words we have to express that something with paper and pen expression written that in the written format हम चीजों को सेव वो कैसे कर सकते हैं फॉर दैट मैटर देर इज अ स्मॉल एक्सरसाइज दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड देर आर डिफरेंट स्टेप्स एंड एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज सो लेट स्टार्ट इट सो द एक्सरसाइज वी गोइंग टू अटेम्प्ट इज दैट यू कैन यूज टू रिफ्लेक्ट थ्रू राइटिंग यू कुड डू दिस एवरी डे बट इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वेन यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और बिग ट्रांजिशन और इफ यू आर फीलिंग इमोशनल को अटेम्प्ट करते हैं वी हैव टू सी हमारे सम पीपल डायरी सम पीपल राइट स्टोरीज सो हर शख्स अपना एक इजहार का तरीकेकार वो रखता है लेकिन इसको फॉर्मल तरीके के साथ करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर फ्यू स्टेप्स फॉलो सबसे पहले आपका ऑथर कहता है सेट अ टाइमर फॉर ट्वेंटी मिनट देन यूजिंग आइदर अ नोटबुक और अ कंप्यूटर दोनों तरीकों से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो राइट योर इमोशनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट वीक मंथ और ईयर तो आप जिन जिन कैफियात से गुजरे हो गुजता दिनों के अंदर उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड टाइपिंग इन द कंप्यूटर और ऑन द नोटबुक द थर्ड पॉइंट इज डोंट वरी अबाउट मेकिंग इट परफेक्ट ठीक है और रीडेबल आप उसका एक माइंड मैप भी बना सकते हो आप अपना एक तरीकेकार भी यूज कर सकते हो यू कैन इवन गो फॉर अ पेंटिंग और ड्राइंग के जिसमें कि आप इजहार कर पाओ अपने जज्बात और इमोशंस का बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स इट इज सेड के अ पेंटिंग इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स ओके सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपने इजहार को किसी भी तरीके से कर सकते हैं बट इट हैज टू बी विजुअल इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इट हैज टू बी ऑन पेपर एंड पेन गो वेयर योर माइंड टेक्स यू सो आप अपने जहन को महदूद नहीं करें जो भी आपका जहन सोच रहा है जो भी कैफियात उसमें आ रही है जो भी अल्फाज उसमें आ रहे हैं उन सब का आप लिखने की कोशिश करें इजहार की कोशिश करें सो एट द एंड यू हैव टू सेव द डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लें द पॉइंट इज दैट दो आर नाउ आउट ऑफ यू एंड ऑन द पेज और उस पेज के ऊपर होने की वजह से हो सकता है कि आप रिलैक्स फील करें यह भी हो सकता है कि आफ्टर अ वाइल आप उसको दोबारा से पढ़े कम टू नो के देर वर सर्टन थिंग्स वर 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 गुड थिंग्स थिंग्स यू नीड टू जो शायद आपने इजहार में ठीक तरीके से वहां पर नहीं लिखी सो so, करेक्शन की गुंजाइश आपके साथ हमेशा होगी इसी कॉन्टेक्सट में आप कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस राइटिंग प्रैक्टिस से यू कैन ब्रॉडन योर वो अभी हमने डिस्कस किया कि वोकैबलरी का एसोसिएशन एक्सप्रेशन ऑफ वो बहुत जरूरी है तो आप लिखने की प्रैक्टिस से अपनी वो बेहतर कर सकते हो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आप इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जज्बा उसकी इंटेंसिटी वो कितनी थी और क्या आपने जो एक्सप्रेशन लिखा वाकई वो आपकी कैफियत को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि नहीं कर रहा था यू कैन सब्सिट्यूट बेटर एक्सप्रेशन क्योंकि आपने वो लिख लिया और बाद में आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हो तो उससे आप अपना राइटिंग एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव करोगे और अपने इजहार की कैफियत को भी बेहतर वो बना सकते हो बिकॉज बोले हुए अल्फाज तो हवा में चले गए लेकिन अगर आप लिख लोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास सेव रहेगा और आप उसको बेहतर भी बना सकते हो करेक्ट भी कर सकते हो इंप्रूव भी कर सकते हो और उसमें आपकी जो एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट वो हो पाएंगी

करने से आपको एक प्रस्पेक्टिव मिल जाएगा कि आप आप इजहार और आप सिचुएशन का जो एनालिसिस करना है वो बेहतर तौर कर सको डियर स्टूडेंट्स अभी हमने एक्सरसाइज अटेम्प्ट की जिसमें कि हमने अपनी फीलिंग्स को कागज के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश वो की और फिर हमने उसके रिजल्ट देखे कि जिसमें हम ये जान पाते हैं कि क्या जो फील हम कर रहे थे और जो डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस किया है इन दोनों में एसोसिएशन है या नहीं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि बात बार बार इस पॉइंट पर आकर रुक रही है कि अपने जज्बात और एहसास को अल्फाज में कैसे ढालना है और फिर उन अल्फाज को आप सेव कैसे कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में बिकॉज मेनी टाइम्स इट वॉज फाउंड जब हम उनको अपने जज्बात को सेव कर लेते हैं डॉक्यूमेंट तो उससे वी फील रिलैक्स्ड। हमें अपना सेल्फ कथारसिस करने में आसानी होती है हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ा सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को एक दफा दोबारा से गो थ्रू वो करके प्लस हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं सो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने इजहार को सही अल्फाज के साथ कलम बंद वो कर सकें